समाज के फायदों के बारे में किया जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ के मौर्य समाज रामचरितमानस पद की टिप्पणी मांगे माफी। दो युवकों ने थाने के अंदर गाने पर बनाए वीडियो, पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच के दिए आदेश। एवीवीपी ने छात्र सम्मेलन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। पुलिस लाइन में सौंदर्यीकरण कार्यों का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सभी देशवासियों के लिए पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रहित में अपील की गई है, मोटे अनाज के प्रयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोटे अनाज और उसके उपयोगी फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुरेश खन्ना समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। तो साथ ही इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, उनका एक एक कार्यकर्ता सपा से कई गुना कार्यशील और निष्ठावान है। निश्चित तौर से जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया का आह्वान किया कि सब योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से आज मोटे अनाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसके माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन जी, हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हमारे सुरेश खन्ना जी, राकेश सचान जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम आज मोटे अनाज को लेकर के जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, उससे एक ही संदेश है कि अगर हम इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करेंगे जो मोटे अनाज से बनाया हुआ है तो शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। और आने वाले समय में जैसे ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी वैसे प्राकृतिक खेती की ओर भी लोग बढ़े हैं। पहले यह मोटा अनाज गरीब लोग खाते थे, हम गरीब परिवार से आते हैं, जो आज मोटा अनाज हम लोगों को कहीं बड़े कार्यक्रमों में बड़े होटलों में कभी मिल जाता है तो हमको देख करके अंदर से हम प्रसन्नता ये होती है। गरीबी के संकट में तो बथुआ का साग हो, चाहे पालक का साग हो, चाहे सरसों का साग हो, चाहे चने का साग हो, चाहे बाजरे की रोटी हो, चाहे जुंदरी की रोटी हो, चाहे जौ की रोटी हो, यह सब हम लोग खाते थे। आज वह सब लोग खा रहे हैं, पूरी दुनिया खाने जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्म के ठेकेदार देश के आदिवासी दलित पिछड़े महिलाओं को मारने पीटने का धर्म मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को नेता मानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी पिछड़ों महिलाओं को हिंदू कहकर वोट मांगती है, चुनाव संपन्न होने के बाद उनका अपमान कर 97% लोगों की भावनाओं को आहत करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि तमाम धमकियों के बावजूद मैं उनके सम्मान और हक की बात करता रहूंगा। ओम प्रकाश राजभर के बयान की आलोचना करते वे कहा कि ओछी मानसिकता का जवाब नहीं दे सकता हूं, महिला दलित और आदिवासियों के सम्मान को चुनावी चश्मे नहीं देखना चाहिए। जिस हिंदू धर्म की दुहाई देते हो उसी हिंदू धर्म को इस देश के 97 फिर भी महिलाएं आदिवासी दलित और पिछड़े भी मानते हैं, ये कोई गैर नहीं। 97 फिर भी आदिवासी दलित पिछड़े और महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं। 2.5-3% जो लोग इनको अपमान किए जाने की बात करते हैं ऐसे लोगों का साथ देकर के भाजपा ने भी अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे दिया है।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में मौर्य सम्मान वाहिनी के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद मौर्य की अगुवाई में संगठन के सदस्यों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सांकेतिक शव यात्रा निकाली है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से आहत मौर्य सम्मान वाहिनी ने ब्लॉक परिसर से मंदिर चौराहे तक सांकेतिक शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया है। मौर्य सम्मान वाहिनी के अध्यक्ष ने कहा कि देश का सनातनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफी नहीं मांगी तो हमारा समाज उनका बहिष्कार करेगा और उनके जनपद से घुसने नहीं दिया जाएगा। रामायण का विरोध किए हैं, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि रामचरित मानस को हमारा समाज हिंदू धर्म या सनातन धर्म या मौर्य समाज हम लोग मानते हैं रामायण को। आज इन लोग रामचरित मानस के बारे में इन्होंने गलत बयानबाजी किया है, इसीलिए हमारा समाज इनको बहिष्कार कर रहा है। गाजियाबाद के थाना लोनी स्थित मदरसे में एक 12 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। मामले को छिपाने के लिए बच्चे को डराने धमकाने के साथ ही जान से मारने की धमकी तक दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने दुष्कर्म के आरोपी हाफिज मामून को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसकी 12 साल उम्र है जी। क्या हुआ? उसके साथ बदतमीजी करी जी, उसको बलात्कार रात के 12 बजे। किसने? मामून ने, मामून अपज जी। किस लिए गया था बच्चा? पढ़ने के लिए जी। कितने दिन से था उसके पास जी? कितने दिन? 5-6 महीने से जी। तो कब की घटना है? परसों रात की जी। तो कैसे पता लगा आपको? सुबह बच्चा कल तो लिखने नहीं दिया मेरा, दाब बोझ करा क्या बकासी का कर। सुबह मेरा बच्चा रोड पर आकर किसी का नंबर जब फोन कर दिया। बात की फिर आपको? किस से जी? जो पढ़ाता था बच्चा? नहीं, मुझे शिकल भी नहीं दिखाई जी उसकी। बोला पूरा कहा मौलवी बना मेरा बच्चा भका, कह ले मदरसा बंद हो जाएगा, दीन के मामला है। उसे बच्चे को भका सिखा के उल्टे सीधे बयान ले रहे डरा के। नु कह रहे उन मार देंगे तुझे, जानते जो तो बयान दिए अपने। कौन कह रहा है सर कि मार देंगे? यही मौलवी साहब, मौलवी साहब होंगे जितने वहाँ मदरसे में जी। कल थाना लोनी पर एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक मदरसा के हाफिज के द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और टीम का गठन उसकी गिरफ्तारी के लिए किया गया था। आज हाफिज मामून को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फरीदाबाद NIT थाने में दो युवकों ने असले नू चमदा रातों रात मुंडा गैंगस्टर हो गया गाने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। दोनों युवक का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। SCP विष्णु प्रसाद ने वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपियों के गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि युवक थाने में किस लिए और किसके पास आए थे, इसकी जाँच पड़ताल कर उचित कानूनी धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई की जानकारी दी है। कुछ समय पहले तकरीबन 10-15 मिनट पहले मुझे भी फ़ोन पर सूचना मिली थी, उसके बाद तुरंत प्रभाव से मैंने SHO को बोला है कि भी इस वीडियो की जांच करें, ये दो लड़के थाने में किस लिए आए हैं, किसके पास आए थे, इनका नाम अता पता निकाल के इनके खिलाफ मुनासिब जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। AVBP के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने संघीय शक्ति कलयुग की अलख जगाई है। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कमल मलिक, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राजीव त्यागी और ABB के संगठन मंत्री सिद्धार्थ स्वामी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और मुझे ये बताते बेहद खुशी होती है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के बाद भी जिस तरह का अनुशासन, जिस तरह का डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिलता है, वैसा किसी राजनीतिक पार्टी, किसी NGO, किसी गैर सरकारी सरकारी संगठन में देखने को नहीं मिलता। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कार्यक्रम के आयोजकों को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमरोहा जिले में जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्षों की ध्येय यात्रा को पूर्ण करते हुए ये एक अमृत काल में प्रवेश करने जा रहा है।
तो इसी की श्रृंखला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में ऐसी बड़ी बड़ी छात्र संख्या के ऐसी संख्या के छात्र सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिनके माध्यम से छात्रों के मध्य हम स्वामी विवेकानंद जी के विचार एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर चलने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारों का प्रवाह कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत जिला अमरोहा के तत्वावधान में एक जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ये हमारा भारतवर्ष का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। इसी के निमित्त विद्यार्थी परिषद ने इसे 75वें अमृत महोत्सव को एक त्यौहार पर्व की तरह मानते हुए इस साल के प्रत्येक माह में एक नया कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये हुंकार छात्र रैली थी, बहुत शानदार कार्यक्रम है। भारत युवाओं का देश है, यहाँ की 65% आबादी युवा है और उन युवाओं के अंदर अगर कोई राष्ट्रवादी संगठन है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो युवाओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है, उनको संस्कार देता है। बहुत शानदार कार्यक्रम है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने मंडी समिति के पास अभियान चलाकर 25 वाहनों के चालान किए गए हैं। परिवहन विभाग की पीटीओ रिहाना बानो ने बताया कि हेलमेट सीट बेल्ट के बिना वाहन चालकों ऑटो ट्रैक्टर पिकअप और मॉडिफाइड बाइक में लगे प्रेशर हॉर्न को जब्त कर वाहन स्वामियों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने यातायात नियमों के पालन करने और गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने की अपील की है और कहा कि थोड़ी देर आपके जीवन को सुरक्षित कर सकती है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज हम लोगों ने जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं लोग मंडी के सामने, उनको रोका है, कुछ जागरूक किया है और जो लोग रॉन्ग साइड उनका चालान किया है और बहुत से लोग बिना हेलमेट चल रहे थे उनको भी बताया है कि बिना हेलमेट ना चले उनका चालान किया गया है। और यहाँ पर मंडी के सामने सर्विस रोड जो है उस पर यहाँ पर दुकान वालों ने अतिक्रमण कर रखा था, उनको भी वार्निंग दी गई है कि अगर वो अपना सामान करेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइन में सौंदर्यकरण कार्यों का उद्घाटन किया गया है। एडीजी वाराणसी राम कुमार की उपस्थिति में नव निर्माण कार्यों का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत गाजीपुर पुलिस लाइन में गेट आदेश कक्ष का सौंदर्यकरण समेत कई नए निर्माण कार्य संपन्न कराए जाएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। बदमाशों को सैदपुर थाना क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस, लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं, गैंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, जिन पर जनपद के विभिन्न थानों में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। कल रात में हमारी स्वैट और सर्वेलेंस टीम तथा सैदपुर थाने की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा विगत एक माह में जो जनपद गाजीपुर में लूट की घटनाएं हुई थी उनका पर्दाफाश हुआ है तथा उन घटनाओं से संबंधित माल की बरामदगी हुई है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो